अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से होंगे उम्मीद है। पिछले लेक्चर्स आई थिंक यू हैव वॉच्ड, और हाइब्रिडाइजेशन में हमने कुछ गपशप की है, और इंशाल्लाह आज उस गपशप को इस्तेमाल करते हुए कि मुख्तलिफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हम उसको इस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के ज़रिए कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में कुछ मॉलिक्यूल्स को मैं खासतौर पर हाईलाइट करूंगा, जिसमें जिन मॉलिक्यूल्स को हमें डिस्कस करना है। एक तो CH4, जो है CH4, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो दो एग्जांपल्स हैं वो C2H2, एक तो ये डिस्कस करना है और एक C2H4 इस मॉलिक्यूल को हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए डिस्कस करना है। पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं जहाँ पर ऑर्बिटल्स, जिनके एनर्जी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, उनको हम इंटरमिक्स करते हैं और उसका जो नेट प्रोडक्ट होता है वो हमें इक्वल एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अभी तो हम सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं, तो हम sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक की बात कर रहे हैं। ये जिन तीन टाइप्स को हमने फोकस करना है वो तो एक तो है sp2, एक है sp3 और एक sp, ये तीन हाइब्रिडाइजेशन हैं, इनको हमने डिस्कस करना है आज। ये मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर चुके हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और हम वाटर मॉलिक्यूल को भी साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और NH3 को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीन मॉलिक्यूल को लेते हैं, और मैं बल्कि सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है। पिछला लेक्चर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, होपफुली आपके सामने वो रजिस्टर भी होना चाहिए, आपकी बुक सामने होनी चाहिए, उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं रख के सिर्फ वीडियो देखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं C2H4 में सेंट्रल आइटम कौन सा है। कार्बन है, कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर, जी गुड, हाँ ऐसे बोलते रहे ना, हम बोलते रहेंगे तो फिर कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2। ठीक है, बॉक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, बॉक्स कॉन्फिगरेशन बना देते हैं, स्ट्रक्चर नहीं, ये तीन बॉक्सेस, और इन बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन का ये जो कार्बन है ये अपने ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट नहीं करता, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पर मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और उस स्टेट में कुछ एटम्स रिएक्ट नहीं करते लेकिन कुछ एटम्स कर भी जाते हैं। अब ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को यहां से अनपेयर कर देता है। ठीक है, अनपेयर करने से पहले ये क्या करता है, इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है। देखें, कल भी हम बात कर रहे थे कि 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल में एनर्जी का डिफरेंस है, और इलेक्ट्रॉन खुद से प्रिफर करता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में रहे, तो चूंकि लॉजिकल बात है 2p की एनर्जी ज्यादा है, 2s की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां नहीं जाएगा। तो कार्बन इस चीज को कैसे हैंडल करेगा, ये क्या करेगा, इन सारे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करेगा। जब इन सबको इंटरमिक्स करेगा, जब मिक्स करेगा तो वो जो नेट प्रोडक्ट उनके पास होगी, वो जो चार ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, जैसे अभी भी तो ऑर्बिटल्स चार हैं, एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल है, इन चार ऑर्बिटल्स को वो हाइब्रिडाइज करेगा, उसके बाद चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इन सबकी एनर्जी इक्वल होगी, जब इन सबकी एनर्जी इक्वल होगी तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के रूल्स पढ़े कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी ऑर्बिटल में शफल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जब करेगा उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंसिडर कर रहा हूँ इन ऑर्बिटल्स को, लेकिन इनके शेप आपको पता है कि किस तरह की शेप होती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा चला जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये C2H2 है, यहाँ पर एक कार्बन जो है वो दो बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन
दो ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है, ठीक है। ये उस एटम के अख्तियार में होता है, इसकी सिचुएशन होती है कि वो कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे ये सवाल करता हूँ, यार मुझे एक कप चाय बना कर लेकर आए, और आपके चंद में जाते हैं, वहाँ पर अब चाय का सामान भी रखा हुआ है, सालन का सामान भी रखा हुआ है, अच्छा बिरयानी का सामान भी रखा हुआ है, कढ़ाई का सामान भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। अब चाय बनाने के लिए मुझे ये बताएं, चिकन कौरमा जो मसाला है वो कितने चम्मच डालेंगे चाय में, ठीक है। तो आप यकीनन नहीं डालेंगे, जो चीज़ ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कार्बन को भी हमें सिर्फ दो बॉन्ड बनाने हैं, तो दो ऑर्बिटल्स को ये हाइब्रिडाइज कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, इन दो ऑर्बिटल्स को ये हाइब्रिडाइज करेगा, यानी एक एस को और एक डी को, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि ये दो ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है, ठीक है। तो वो जो दो ऑर्बिटल्स हैं उसमें से एक एस है और एक पी है, इसलिए इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अब जो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मैं अभी एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये कौन सा है, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो कार्बन है, तो एक कार्बन अगर एस पी हाइब्रिडाइज है तो दूसरा कार्बन भी एस पी हाइब्रिडाइज होगा, तो वो जो दूसरा कार्बन है उसकी भी सेम सिचुएशन होगी, उसके पास में यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के भी है, इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अच्छा, इस ऑर्बिटल के पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जो यहाँ पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, यानी एक एसपी को एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, रिजल्ट के तौर पर आपको यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मिलने वाला है। ये तो हमने ये बना दिया, बाकी ये दो ऑर्बिटल्स ये दोनों अनहाइब्रिड हैं, तो हम इसको थोड़ी सी डिफरेंट शेप में बना देते हैं ऐसे करके, और हम इसको समझते हैं ये पी वाई है, और इसके जो पी जी ऑर्बिटल है हम उसको ऐसे बना देते हैं, और ये समझते हैं कि दिस इज पी जी ऑर्बिटल। अब आपको पता है इन दोनों के पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सो यू कैन सी इट, ठीक है। इसी तरीके से इस कार्बन के पास भी तो पी ऑर्बिटल होगा जो अनहाइब्रिडाइज होगा, और पी जी ऑर्बिटल भी होगा, दिस इज पी वाई, नाउ दिस इज पी जी, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। अब चूंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये साइड बाई साइड ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, और ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिड नहीं है, ये अब स्टिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करेंगे, साइड बाई साइड अप्रोच के साथ ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे और साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो एक तो ये बना पाई बॉन्ड पी वाई और पी वाई के दरमियान, और एक बॉन्ड बनेगा पी जी और पी सी के दरमियान, ये बना तो ये दूसरा पाई बॉन्ड, ठीक है। अब चूंकि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि एस पी जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 होता है, इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये था इथाइल मॉलिक्यूल जिसमें दो पाई बॉन्ड बनते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो लीनियर होती है। दिस डायग्राम इज नोन एज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथाइल। अब दोबारा बात करते हैं C2H4 के लिए, और C2H4 में भी अगर आप बेसिकली देखें तो कार्बन ही सेंट्रल एटम है, कार्बन का पॉइंट नंबर 6 ही होगा, कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यही होगी। लेकिन इथाइल और इथीन में फर्क कितना होगा कि यहाँ पर कार्बन एक पी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर रहा था इथाइल के केस में, लेकिन इथीन के केस में ये एक एस को भी हाइब्रिडाइज करेगा, एक पी को भी करेगा, इस पी को भी करेगा, पी जी ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड रहेगा, ठीक है। तो अब इसके पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीन ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज करता है और इस ऑर्बिटल को वो अनहाइब्रिड रखता है, ये इसकी में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं, 1, 2 and 3, तो नतीजे के तौर पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने चाहिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। और आपको यह भी पता है कि यहाँ पर एक एस और दो पी हैं, इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हम क्या रखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे। और ये तो पता है कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल होती है, तो अगर इस कार्बन को मैं ट्राइगोनल शेप बनाने की कोशिश करूँगा कैसे
होगा, अगर ये कार्बन है तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर अगर है तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा। ये एक कार्बन की हम बात कर रहे हैं, और ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है दैट शुड बी 120 डिग्री। अब एक कार्बन, चूंकि यहां पर हमारे पास दो कार्बन है, ठीक है, तो दूसरा कार्बन भी होगा ऐसे, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे इधर भी होगा, तो ये तो एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अब दूसरा कार्बन वो भी sp2 हाइब्रिड होगा, तो इसमें भी ये दो ऑर्बिटल जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये ऑर्बिटल इसको ओवरलैप करेगा। अच्छा, और नहीं ये हमने सही नहीं बनाई, ये ट्राइगोनल बनना चाहिए, ये और ये बनना, ठीक है। और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। यहां पर भी देखें, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैप किया, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बना, और इस ओवरलैपिंग को हम sp2 ओवरलैपिंग कहते हैं, यहां बना सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो sp2 ये जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ क्या अटैच हो गए? देखिए, चार हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब हाइड्रोजन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अटैच हो जाएंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां पर मौजूद हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद हैं। अब हाइड्रोजन आएगा इधर आके ओवरलैप करेगा इसमें, ठीक है, और यहां पर भी हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा। और अब आपको ये बात तो पता है हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, s ऑर्बिटल। तो यहां पर ये जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम क्या कहेंगे, sp2 ओवरलैपिंग, ये sp2 ओवरलैपिंग, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा वहां पर भी। तो इथाइन के केस में भी वो जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचते हैं, जो कार्बन कार्बन ज्वाइन होने के बाद जो दो बचते हैं जिसमें भी हमने हाइड्रोजन ज्वाइन नहीं किया है, ये आपके लिए होम असाइनमेंट चुका है, वहां पर आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। अच्छा, ये तो कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन लिख ली, और कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए अभी तक देख लें, तीन बॉन्ड बना लिए ना, चौथा बॉन्ड अभी बना नहीं है, यानी इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। हर दोनों कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है जिसको हम पीजी ऑर्बिटल कहते हैं, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। थोड़ी सी इसी बड़ी जगह बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन भी खास होंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, और इसके पास भी पीजी ऑर्बिटल है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। ये दोनों ऑप्शन क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, वो बॉन्ड बन रहा होगा। तो नतीजे के तौर पर जो इथाइन मॉलिक्यूल है, सॉरी इथीन मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और चार हाइड्रोजन ऐसे बॉर्डर पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। और जो इथीन मॉलिक्यूल था उसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान तीन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होते हैं। यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल में, इथाइन मॉलिक्यूल में PY PZ ये दोनों एक दूसरे को साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करते हैं, PX PX हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इथीन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की या वाटर मॉलिक्यूल की। बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की पहले। अब आप मुझे बता सकते हैं कि विच एटम इज सेकंड एटम इन H2O? यस, इन H2O ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम। तो मुझे और आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ये तो अब माशाल्लाह से आप लोग एक्सपर्ट हो गए, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मैं कोई चार, ठीक है। बॉक्स फॉर्म बनाते हैं, एक दो तीन चार पांच एंड छह, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, और अगर जाता भी है तो दिक्कत कुछ भी नहीं होती है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं, लेकिन ये वो हाइब्रिडाइज जरूर करेगा। अब ये क्या करेगा, इस एस ऑर्बिटल को और इन तीनों पी ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा, जब मिक्स करने के बाद सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स बनाएगा। चूंकि टोटल ऑर्बिटल्स कितने मर्ज हो रहे हैं, 4, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने चाहिए, 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने चाहिए, एंड हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3।
sp3, ठीक है। और यू नो इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स टू, दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड अनदर sp3 हाइब्रिड हियर, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अनदर sp3 ऑर्बिटल हियर, sp3 और वन अनदर हियर sp3, ठीक है। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें से दो के पास दो लोन पेयर्स हैं, ये दोनों लोन पेयर्स हैं और ये दोनों यहां पर भी लोन पेयर्स हैं। और यहां पर sp3 मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है sp3, इसको भी मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और यहां पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो दो अनपेयर ऑर्बिटल्स हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिटल के साथ आगे इधर ओवरलैपिंग कर रहा होगा, ये s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, sp3 ओवरलैपिंग हो गई, और यहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, चूंकि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5, लेकिन इसका जो एंगल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि विस्पर ने भी आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की बात की थी, लॉन्ग पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग पेयर्स हैं इन दोनों के दरमियान रिपल्जन बहुत ज़्यादा होती है, तो इन दोनों का जो रिपल्जन का इफेक्ट है वो यहाँ पर भी पड़ता है, ये इसको रिपेल कर रहा होता है, ये इसको रिपेल कर रहा होता है, नतीजे के तौर पर ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 से डिक्रीज होकर तकरीबन 105 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो जो हमें नजर आ रहा होता है, हम इन लॉन्ग पेयर्स को काउंट नहीं करते हैं, तो बाकी जो चीज देख रहे होते हैं, जो चीज हमें नजर आ रही होती है, हमें वाटर मॉलिक्यूल इस तरह का नजर आता है, तो इसको हम या तो बेंट शेप कहते हैं, बेंट शेप, या फिर हम वी शेप कहते हैं, वी शेप, ठीक है। वैसे ही है यह टेट्राहेड्रल, और हम लॉन्ग पेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं, लॉन्ग पेयर्स का इफेक्ट तो बॉन्ड पेयर्स के फॉर्म में है, वो तो हमें नजर नहीं आ रहे होंगे, हमें ये नजर आ रहा होगा अगर देखने की कोशिश करें, देखने वाली आंखें हो, समझ हो, तो फिर ये हमेशा नजर आ रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली H2O में O की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की, तो अब आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, कल मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको असाइनमेंट भी दिया था, पता नहीं आप लोगों ने किया भी या नहीं किया, लेकिन उम्मीद करता हूँ किया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं H3 सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 वैलेंशियल, अच्छा चलिए, यहाँ पर एक बड़े मजे की बात है, नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि अगर इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही है तो 3 हाइड्रोजन आ जाए ओवरलैपिंग कर लें, ठीक है। तो ये एस को हाइब्रिडाइज क्यों करेगा यार, एक अखलाकी बात आपको बता रहा हूँ, अगर आपके घर में 4 लोग हों तो 3 को आप खाना देंगे, चौथे को नहीं देंगे क्या, ये अखलाकी जवाब है, आपको देना है उसको भी, भले वो ना खाए लेकिन आपने ऑफर करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से ये तीनों एक ही कमरे में है, ठीक है, अगर नाइट्रोजन इनको हाइब्रिडाइज करेगा, इसको नहीं करेगा तो इसको कितना बुरा लगेगा, ठीक है, बुरा लगेगा ना, तो क्या करेगा, वैलेंस शेल पूरे को, जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है वो वैलेंस शेल पूरे को हाइब्रिडाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, इसको वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइज करने के बाद एक एस इस पी को भी करेगा, इस पी को भी हाइब्रिडाइज करेगा, इस पी को भी हाइब्रिडाइज करेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, अगर ये नाइट्रोजन है तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, ठीक है। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास लोग पेयर होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल है, यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल कंप्लीट है, इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये आके हाइड्रोजन को ओवरलैप करेंगे, एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ओवरलैप किया एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ओवरलैपिंग कौन सी हो गई, एस एस पी थ्री ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा हो गई। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल दोबारा से कितना होना चाहिए, बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5 इतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो तकरीबन 107 तक आता है, क्यों अब आप बता सकते हैं मुझे, ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ दिस लोन पेयर, लोन पेयर के रिपल्जन बहुत ज्यादा होती है, आप लोगों को पता है वाटर में दो लोन पेयर थे इसलिए उसका एंगल बहुत ज्यादा कम हुआ था, इसमें एक लोन पेयर है तो थोड़ा सा इसने गुंजाइश रखी यहाँ पे, और इसकी भी जो शेप है वो हमें ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल नजर आती है, टेट्राहेड्रल है लेकिन जो इसकी शेप होगी हम दोबारा से लोन पेयर को इग्नोर कर रहे होंगे, जब लोन पेयर को इग्नोर करेंगे तो बाकी जो चीज हमें नजर आएगी वो कुछ इस तरह की आ जाएगी, नाइट्रोजन इस तरह से नजर आएगा। तो इस शेप को हम कहते हैं ट्राइमोनल, ट्राइमोनल पाइरिमिडल, ट्राइमोनल पाइरिमिडल ज्योमेट्री इसकी होती है। ट्राइगोनल ये बन रहा होता है, ग्रीन तीन एटम्स के दरमियान ट्राइगोनल ट्राइंगल बन रहा होता है, इससे हम इसको ट्राइगोनल पाइरिमिडल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बाकी के मॉलिक्यूल्स को आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।